классное, что еще ребенок не надо очень дресс. हाँ हाँ बेलारूस में ना हम लोगों के साथ हमेशा ना जैकेट वगैरह पहनना पड़ता था. अब लीजा बोल रही है कपड़ा ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए. ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए. कपड़ा नहीं चाहिए. कपड़ा चाहिए मेरी माँ. कपड़ा तो चाहिए यार. ज़्यादा ओचन ड्रेस नहीं. ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए. ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए. हाँ कपड़ा तो चाहिए भाई. Feel you, I sense you're always there. I hear you, your voice I hear so clearly. So near me, I see you everywhere. And my eyes are filled with tears. आपका हमारे नए घर में स्वागत है. मैं लीजा को बोल रहा था बोलने के लिए. आपका आपका हमारे हमारे नए नए घर में स्वागत स्वागत है है. और आपका मुंबई में स्वागत है. इंडिया में और मुंबई में स्वागत है. टेंशन क्या बोल रहे पापा. हाँ नमस्ते. नमस्ते. तो गाइस तो ये हमारा घर है 31st फ्लोर में है. और हम मतलब ना जब ना मुंबई जब मैंने डिसाइड किया कि लीजा को बोला कि हम मुंबई में जाएंगे और रहेंगे. आपको पता है कि बेलारूस बहुत क्लीन नीट एंड टाइडी है. और मैं इंडिया से हूँ मैं मुंबई में रहता हूँ. मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मैं यहीं पर बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ. मेरे लिए जैसा भी मेरा कंट्री में आई लव माई कंट्री. बट कोई फॉरेनर जब इंडिया में आता है ना उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं हम कहाँ रहेंगे क्लीनिनेस है कि नहीं है और फिर बाद में सेफ्टी वाइज बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है. जब मैं इंडिया मूव कर रहा था ये सब चीज़ों का मेरे को ध्यान देना था कि मैं लीजा को लेके आ रहा था सब चीज़ें. और तो फिर बाद में मैं थाईलैंड गया था तो मैं निशांत जी से मिला था. निशांत मेरे अच्छे दोस्त हो गए उसके बाद से और हम हमेशा बात करते थे. तो मैंने उनको बताया था और वो बोले थे कि उनकी चॉइस अच्छी है. तो उन्होंने बोला कि तुम वो सब मेरे पे छोड़ दो. तो थैंक्स टू इनकी उन्होंने मस्त घर ढूंढ के निकाला यहाँ पे. तो अभी हम होम टूर देंगे. अभी तक हम आपको पता है गाइस कि घर बनाने में इंटीरियर वगैरह करने में टाइम लगता है. तो अभी घर खाली है पूरा. ये हॉल का एरिया है. ये 1 BHK है क्योंकि मैं लीजा और बेबी और पापा आते रहेंगे सिस्टर आते रहेगी. तो वो हम हॉल में ना एक बेड ना ओपन करेंगे क्योंकि आपको पता है कि लाइक मुंबई में घर बहुत महंगा है. रेंट पे भी लेने जाएंगे तो हमने इसलिए 1 BHK लिया है कि हम लोग तीनों के लिए और साथ में पापा आते रहेंगे सिस्टर आते रहेंगे. जो हम हॉल में ना एक ना सोफा डालेंगे जो सोफा कम बेड रहेगा उसको ओपन करेंगे रह सकते. तो ये हमारा 1 बेडरूम है. तो मैं आपको होम टूर दे देता हूँ. तो ये कैमरा लाइक अपना एक्सेस कर सकते हो. वो डोर के सामने कौन है और गेट पे कौन आया है उसके फोटोज वगैरह देख सकते हो. लाइव व्यू देख सकते हो सब चीज़ें कैमरा के थ्रू. और मोस्ट ये हमारा हॉल रहेगा. अभी पूरा एम्प्टी है. यहाँ पे टीवी आ जाएगा. टीवी सेट आ जाएगा. यहाँ पे सोफ़ा आ जाएगा. यहाँ पे डाइनिंग टेबल आ जाएगा. इंटीरियर पूछे हाँ. और यहाँ पे पीछे पेंटिंग वगैरह मस्त डेकोरेट हो जाएगा. अभी हमने इंटरनेट लगा दिया है. एसी है. और उसके बाद में सबसे अच्छी चीज़ तो गाइस हम लोग अभी आए थे मतलब ना शिफ्टिंग में इतना बिजी था ना दाढ़ी बना पाया ना तो बाल बना पाया उसमें ही बहुत परेशान था. तो ये हॉल है और यहाँ से व्यू ना क्लास है. लाइक मैं आपको व्यू दिखाता हूँ. मैं आपको व्यू तो मैं बेबी को लेके बाहर जाता नहीं हूँ बालकनी में. तो अभी लीजा आपको व्यू दिखाएगी. लीजा तो भाई व्यू I see you, I close my eyes and I see you. I feel you, I sense you're always there. Hear you, your voice I hear so clearly. So near me, I see you everywhere. And my eyes are filled.
as you stripped me of all my fear. So I stand before you naked and as I am. You fill me with a love too great to understand. Am I dreaming or awake? It's just the same. And I'm crying tears of joy. तो गाइस ये हमारा किचन है, अभी न्यूली फर्निश किया गया है पूरा किचन को, और यहाँ पे अब तक गैस कनेक्शन आया नहीं है तो इसलिए हम इंडक्शन पे खाना बना रहे हैं। लीजा क्या खाना बनाई है, भिंडी का भाजी, मेरे को मजा आ गया है। भिंडी भाजी पूछना, मस्त बनाया था। और आयान की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, हम थोड़ा डॉक्टर के पास विजिट कर रहे थे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। और हमने भी एक फ्रिज लिया है, डबल डोर का फ्रिज हो गया है वो। फिर मतलब बहुत सारे सामान रहते हैं छोटे छोटे घर के ना, और घर को ना मतलब रहता है टोटली फर्निश्ड होने में ना कम से कम आपको एक दो महीना लगता है, लाइक छोटी छोटी सोफा टीवी ये वो दुनिया भर का चीज़ मस्त। तो अभी ये सब हो गया है, फ्रिज हो गया है, इंडक्शन हो गया है, ये किचन में गैस है, और यहाँ पे दो टॉयलेट है, एक कॉमन रूम के लिए लाइक जो भी गेस्ट आएगा लिविंग रूम में उसके लिए, और सेकेंड बेडरूम में एक टॉयलेट है। पहले बेडरूम लीजा बोल रही है कि ये हमारा बेडरूम है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे रहेंगे, और ये बेडरूम है, और सबसे अच्छा कि यहाँ से व्यू भी सुपर्ब है, आप देख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ना लाइक ब्लैकआउट कर्टेन आपको। साइड टेबल, बेड, साइड टेबल, बेसिक चीज़ें अभी की, अभी धीरे धीरे 10-15 दिन में सब हो जाएगा रूम। कैसा लगा आपको? हाँ? अच्छा लगा घर? अच्छा। घर कैसा लगा? घर इतना दो? हाँ। अच्छा। अच्छा। कुछ प्रॉब्लम? और रीता को यहाँ पे ना थोड़े थोड़े ना कुछ ना कुछ ना मच्छर इच्छर उड़ के आते ना छोटे छोटे, तो भी तकलीफ में बोला बाप रे, उतना तो मिलने वाला ही है, इतना भी नहीं है कि अभी मैं केरला गया था तो भी रहता होटल में थोड़े मक्खी के वो तो ये हो, मतलब इतना तो रहेगा भाई, उसको अच्छा वो अफ्रीका लेके नहीं गया, अफ्रीका जाएगी तो डर जाएगी। समय नहीं वो ऑस्ट्रेलिया, उसको ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, ऑस्ट्रेलिया का उसने देखा बहुत सारे स्पाइडर वगैरह रहते तो बोलती मैं नहीं जाऊँगी। भाई आप मेरे मेरे बेटे को कैसा लगा, कैसा लगा इंडिया? हाँ कैसा लगा? ओके ओके नहीं बहुत अच्छा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। на русском. Хорошо. Хорошо, скажи. Нравится? Нормально. अरे 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 अरे. Куда ползёшь? Где у мамы щёчка? Покажи. Где у мамы щёчка? Вот. Вот. Да. А носик? Вот носик вот. Never cry for pain. I never cry for pain. You heard me. I called your name and you heard me. You saw me, saw a broken man. तो गाइस राइट नाउ ना हम ना अपने बिल्डिंग के नीचे हैं और अभी हम वॉक के लिए आए हैं। तो लीजा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी लीजा यहाँ रहेगी ना धीरे धीरे हिंदी सीख जाएगी। मैं भी ना इतना दिन बिजी था ना, ना तो बाल कटा पाया ना तो दाढ़ी बना पाया है। और फिर हमने थोड़ा बेबी की हेल्थ के ऊपर भी हम धीरे धीरे आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो गाइस अभी ये देख सकते हो आप। तो गाइस अभी ना हम पोडियम फ्लोर पे हैं हम लोग के बिल्डिंग के। हमारी बिल्डिंग ना 31st फ्लोर की है जिसमें हमारा 31st फ्लोर पे अपार्टमेंट है। और ये व्यू है बिल्डिंग का, इसमें ना 4 टावर है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए था जब हम रहने के लिए आए ना, सब में इम्पोर्टेंट स्टोबिल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था जब रहने के लिए?
चाहिए नहीं बोले जुकोफ ना तो सबसे इम्पोर्टेंट बोरी है वहाँ पे ना, लीजा ना बहुत डरती है लाइक इंसेक्ट्स वगैरह से, तो बोरी सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंसेक्ट इंसेक्ट ना रहे। और उसके बाद क्या था कि बेसिक लाइफ में क्या चाहिए आपको, मतलब जब रहते मुझे व्यू चाहिए था, मुझे व्यू चाहिए था, जो भी रशियन में बोलेंगे मैं ट्रांसलेट करूंगा। दुर्गा नॉर्मल गवर्नर तो हाँ, क्लीन साफ सफाई चाहिए था। очень классно вообще, что подъезд красивый. एंट्रेंस वगैरह और फ्लोर वगैरह जब चढ़ के ऊपर जाते लिफ्ट से, वो क्लीन चाहिए था, अच्छा चाहिए था। और да, самое приятное, что здесь охрана, тут никто не пойдет внутрь, то есть и в доме, и там на входе. और लीजा बोल रही है इसको ये सबसे अच्छा लगा, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, कोई और बाहर का नहीं आ सकता, जो भी आ रहा है लाइक एंट्रेंस करके आ रहा है, कैमरे में फोटो लेके आ रहा है। तो गाइस अभी मैं बात करूँगा, जैसे आप पीछे देख सकते हो इतना लंबा लाइन है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि ना बेलारूस में रहते हैं तो हमको ना वॉक करने की आदत है। बेलारूस याद ना दिन पैदो बुलाते कि बाहर निकले, थोड़ा वॉक करें, वहाँ पे कल्चर है कि लाइक आप एक दो किलोमीटर जाते हो, बच्चे को ना ये जो रहता ना वॉक, उसको क्या स्ट्रॉलर बोलते हैं, तो उसको चलने के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस होता है गाड़ी से दूर सेफ्टी के लिए। तो जब मैं अपार्टमेंट ले रहा था तो मैं वही सोच रहा था, तो स्पेशल थैंक्स टू निशांत मेरे साथ, ये ना वॉक करने के लिए है, लगे लंबा ऐसा मतलब ना, यहाँ से आप चार एक राउंड लोगे ना, चार टावर की बिल्डिंग है और यहाँ पे ना एमिनिटीज में स्विमिंग पूल है, बैडमिंटन कोर्ट है, मेडिटेशन रूम है, सीनियर सिटीजन रूम है, और उसके बाद में ना सोना है, स्पा है, और फिर अपने जिम है, सब कुछ है। तो लाइक आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल एंट्रेंस पे ना ऑलमोस्ट लाइक 10-15 सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, फिर बिल्डिंग के नीचे दो सिक्योरिटी गार्ड है, तो वो सबसे अच्छा है लाइक सेफ्टी पर्पसेस ऑल्सो। तो वो और यहाँ पे क्लीन नीट एंड टाइडी, यहाँ से ऐसा चार राउंड लोगे ना तो ऑलमोस्ट लाइक एक राउंड ना 400 मीटर का है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे व्यू भी, तो अच्छा लगा मेरे को, मतलब सेफ साइड और बेबी के साथ घूमने के लिए रोज़ रात को हम लोग घूमेंगे यहाँ पे, गाड़ी वगैरह नहीं आती, तो एक अच्छा है, तो एक अच्छा चीज़ है। दा самое अच्छा классное, है? Что еще ребенок не надо очень dress. हाँ हाँ, बेलारूस में ना हम लोगों के साथ हमेशा ना जैकेट वगैरह पहनना पड़ता था। अभी लीजा बोल रही है ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए, कपड़ा चाहिए मेरी माँ, कपड़ा तो चाहिए यार, ज़्यादा ओचिन ड्रेस नहीं, ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए, कपड़ा तो चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पर कैसा अपना क्लाइमेट कैसा, आप नॉर्मल टी शर्ट पहन के जा सकते हो, बट बेलारूस में तो बर्फ गिरते रहता है, हमेशा आपको जैकेट या ब्लेजर पहनना पड़ता है।